बरेली में एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक युवक की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उस युवक ने एक साल पहले उसकी बहन के साथ छेड़खानी की थी। बीते एक वर्ष से वो आरोपी युवक की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। मौका मिलते ही उसने उस युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक का नाम चंचल राजपूत है और मृतक युवक का नाम प्रदीप है। आरोपी चंचल ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि प्रदीप ने उसकी बहन के साथ लगभग एक साल पहले छेड़खानी की थी। उसने तभी से ठान लिया था कि इसको सबक सिखाना है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। फिर उसने अपने दोस्त पप्पू के साथ इस पूरी हत्या की प्लानिंग की। फिर बीते 7 सितंबर को उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। किसी को इस घटना की जानकारी ना मिल सके, इसलिए वो गांव से फरार हो गए थे। सिटी एसपी राहुल भाटी ने बताया कि इस मामले में चंचल राजपूत और उसके दोस्त पप्पू को गिरफ्तार किया गया है। एसपी राहुल भाटी ने बताया कि यह आरोपी प्रदीप को शराब पिलाने के बहाने जंगल ले गए और जंगल में उसे खूब शराब पिलाई, फिर नशे की हालत में ही उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भीतरी चैनपुर क्षेत्र में रजऊ परसपुर चौकी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था दिनांक 7 सितंबर को, जिसकी शिनाख्त प्रदीप नाम के युवक के रूप में हुई थी, जो रजऊ परसपुर का ही निवासी था। इस घटना का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें पहला अभियुक्त जिसका नाम चंचल राजपूत पुत्र रामपाल है, जो कि निवासी वहीं ग्राम रजऊ परसपुर थाना भीतरी चैनपुर का ही है। दूसरा अभियुक्त इसमें पप्पू पुत्र लालाराम निवासी भमौरा थाना शाही बरेली का है। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। जो मारने का इनका मोटिव था, चंचल राजपूत जो कि ग्राम रजऊ परसपुर का ही निवासी है, इसके बहन के साथ पिछले वर्ष मृतक के द्वारा छेड़छाड़ की घटना कारित की गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त चंचल राजपूत ने पप्पू जो कि थाना सीबीगंज का हिस्ट्री शीटर है, उसके साथ मिलकर इस हत्या का प्लान किया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।